बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट आते ही बिहार में सियासत तेज हो गई और जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जिसको लेकर बिहार सरकार की ओर से साफ भी कर दिया है कि जो रिपोर्ट आई है वो सही है। दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। लालू के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए लालू के ही अंदाज में जवाब दिया है। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने लालू यादव को राजनीतिक कैंसर कहा और साथ ही नीतीश सरकार पर भी हल्ला बोला और कहा नीतीश कुमार की सरकार ने लालू के हर घोटाले में लालू को जेल पहुंचाया और अब नीतीश और लालू का इलाज बीजेपी करेगी। और साथ ही सम्राट चौधरी ने ये भी दावा किया कि इस बार बिहार में बीजेपी की जीत होगी और बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, बिहार की राजनीति में कोई एक व्यक्ति यदि राजनीतिक कैंसर हो गए हैं तो उनका नाम है लालू प्रसाद जी, और जिसको स्वयं नीतीश कुमार जी की पार्टी ने लगातार ये प्रूव किया है, उनको चारा घोटाला में जेल भेजवाया, रेलवे के मामले में दौड़ आज कोर्ट की चक्कर काट रहे हैं, तो लालू प्रसाद जी को बिहार में राजनीतिक तौर पर कैंसर माना जाता है। इसका इलाज अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। अब नीतीश और लालू दोनों का राजनीतिक इलाज शुरू होगा और बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि ये जुबानी जंग तब शुरू हुई जब लालू यादव ने सोशल मीडिया पर 9 अक्टूबर को लिखा, जातिगत जनगणना के विरुद्ध जो भी लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। किसी भी प्रकार की असमानता एवं गैर बराबरी के ऐसे समर्थक अन्याय प्रवृत्ति के होते हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल और केवल जन्मजात जातीय श्रेष्ठता के आधार पर एवं दंभ पर दूसरों का हक खाकर अपनी कथित श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं। कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा।